गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, लेट्स थैंक गॉड फॉर वट एवर ही हैज गिवन टू अस. सो लेट्स रिसाइट द प्रेयर. आपकी लेसन 19 है रीडर बुक में शेख चिल्लीज सिकल. रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. शेख चिल्ली है इसमें जिसको डे ड्रीमिंग की हैबिट है, यानी दिन में सपने देखने की आदत है. एक बार उसकी मदर फातिमा बीबी के घर जाने लगी तो उसको बोला कि तुम जंगल से घास ले आओ अपनी गाय के लिए, और उसको सिकल देते हुए कहा कि सपने मत देखना, ध्यान से काटना, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी. और शेख चिल्ली जब घास लेकर आया, खाना खाने लगा, तो उसको याद आया कि सिकल तो उसकी जंगल में ही रह गई. फिर वो जब लेने गया तो वो सनहीट की वजह से बहुत गर्म हो गई थी. फिर लल्लन ने उसे क्या बोला कि तुम्हारी सिकल को क्या हो गया है? फीवर. और इसका फीवर कैसे दूर होगा? कि इसको हम रस्सी से बांध के कुएं में लटका देते हैं तो इसका फीवर ठीक हो जाएगा, और तुम शाम को अंधेरा होने से पहले इसको कुएं में से निकाल कर ले जाना. और हंसने लगा मन मन में. जब वो शेख चिल्ली अपनी सिकल लेने जा रहा था तो लल्लन के घर से किसी के रोने करहाने की आवाज आ रही थी. उसने अंदर जाके देखा तो उसकी दादी माँ, लल्लन की दादी माँ को बुखार था. तो वो क्या किया, उसने लल्लन की दादी को उठाकर कुएं पर लेकर जाने लगा कि इनको भी ऐसे ही बुखार उतारूंगा जैसे लल्लन ने मेरी सिकल का बुखार उतारा था. तब जब वो लोग लल्लन अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ वापस आया डॉक्टर से दवाई लेकर अपनी दादी माँ के लिए, तो लोगों ने उनको बताया कि शेख चिल्ली तुम्हारी दादी माँ को लेकर कुएं की तरफ गया है, और वो फटाफट से उधर भागे. तब वो क्या कर रहा था शेख चिल्ली, वो उसकी दादी को रस्सी से बांध के कुएं में लटकाने की तैयारी कर रहा था. तो लल्लन के पापा ने उसको डांट लगाई. शेख चिल्ली ने कहा कि इनको बुखार है और अब मुझे पता है कि उसका बुखार कैसे उतरेगा, लल्लन ने मुझे सब कुछ बताया है. लल्लन के पापा समझ गए कि लल्लन ने शेख चिल्ली को बेवकूफ बनाया, उसका मूर्ख बनाया, और इस तरह से उसको बताया कि बुखार कैसे उतारते हैं. फिर लल्लन के पिताजी ने लल्लन की बहुत पिटाई की और शेख चिल्ली अपनी सिकल लेकर घर वापस आ गया और अपनी मम्मी की लाई हुई मिठाई खाकर एंजॉय कर रहा था. और उसकी मम्मी उसे क्या समझा रही थी कि बुखार इस तरह से नहीं उतारा जाता. सिकल इसलिए गर्म थी कि वो सनहीट की वजह से गर्म हो गई थी और पानी में ठंडी हो गई, लेकिन जब इंसानों को बुखार होता है तो उनको इस तरह से कुएं में नहीं लटकाते. ठीक है, सब याद आ गई ना आपको स्टोरी. अब हम देखते हैं कि हम अगर इसमें से क्वेश्चंस किसी भी तरह के आते हैं रीडर पार्ट में से, हम उनको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे. नाउ यू विल लर्न हाउ टू राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. न्यू वर्ड्स आप करते हैं ना, जब आपकी असेसमेंट में न्यू वर्ड्स आएंगे तो आप उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे. आपको 2 वर्ड दिए हैं, सिकल रेमेडी. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन 1. व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट आंसर 1 पार्ट 1. सिकल, व्हाट इज सिकल, अ टूल फॉर कटिंग ग्रास.
तो आप सिर्फ यहां पर आंसर लिखेंगे, अ टूल फॉर कटिंग ग्रास, ठीक है। ये आपका रहेगा फर्स्ट पार्ट का मीनिंग, व्हाट इज सिकल, अ टूल फॉर कटिंग ग्रास। सेकंड इज रेमेडी, रेमेडी का क्या मतलब होता है, रेमेडी इज क्योर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्योर, ठीक है। तो ये आपका रहेगा वर्ड मीनिंग्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने सिर्फ उनके मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर रिवीजन इज लेसन 14 ऑफ ग्रामर, वॉइसेस एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स, एक्टिव एंड पैसिव। आपको हमने मैंने बताया था कि एक्टिव और पैसिव को चेंज करने का क्या रूल होता है। एक्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल जो हम टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखते हैं, उसमें हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब ये आपको दो सेंटेंस दिए हैं, आपने इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। द मेड विल स्वीप द फ्लोर, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें फ्लोर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मेड हमारी सब्जेक्ट है और स्वीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको थर्ड फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आंसर टू, क्वेश्चन टू है ना ये आपका, तो आंसर टू पार्ट वन, और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द फ्लोर वो हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द फ्लोर विल स्वीप है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, विल बी, स्वीप की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट, द फ्लोर विल बी स्वेप्ट बाय द मेड। अब मेड क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट था तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, फ्लोर ऑब्जेक्ट था यहां पर सब्जेक्ट बन गया और विल स्वीप को हमने विल बी स्वेप्ट कर लिया, तो ये हमारे एक्टिव से पैसिव में ये सेंटेंस चेंज हो गया, ठीक है। जॉन वॉज ईटिंग एन एप्पल, अब इसमें एन एप्पल ऑब्जेक्ट है तो यहां हमारा वो सब्जेक्ट आ जाएगा, जॉन इसमें सब्जेक्ट है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज ईटिंग हमारा चेंज हो जाएगा, ईटिंग तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, वॉज ईटिंग के साथ अब आईएनजी है तो उस आईएनजी को हम बीइंग बना देंगे, तो कैसे बनेगा देखिए, सेकंड सेंटेंस, एन एप्पल, एप्पल उधर है तो यहां हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज बीइंग, इस ईटिंग के आईएनजी को हमने बीइंग में ले लिया, ठीक है, वॉज बीइंग ईटन बाय जॉन, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो इस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, यानी सिर्फ आंसर लिखेंगे उसका और रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे उसे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर आवर रिवीजन इज लेसन 16 ग्रामर इंटरजेक्शंस। व्हाट आर इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स विच एक्सप्रेस आर सडन फीलिंग, सडन इमोशंस, जो हम अचानक से किसी चीज को देखकर या किसी सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे क्या होती है, इंटरजेक्शंस होती है, और इंटरजेक्शंस के बाद हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ठीक है। हमारी दो तरह की इंटरजेक्शंस होती हैं, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। माइल्ड इंटरजेक्शंस हम कॉमा लगाते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस जो होती हैं उनको हम
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस लर्न द यूसेज ऑफ फ्यू इंटरजेक्शंस. कुछ इंटरजेक्शंस का हम यूसेज से देखते हैं कि हम उनको कैसे यूज करते हैं. जब हमें कौन सी फीलिंग होती है तो हम कौन सी इंटरजेक्शन यूज करते हैं. अब अह किसके लिए यूज होता है, जब हमारी कौन सी फीलिंग होती है, रिग्रेट की या रिलीफ की फीलिंग होती है, जब हम रिलैक्स होते हैं. अलास When we get a sad news, हमें कोई sad news मिलती है तब हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, अलास. ब्रेवो, जब हमें किसी को शाबाशी देनी होती है. ठीक है, ओ मतलब हम हैरान हो गए तो हम क्या बोलेंगे, ओ अच्छा ऐसा हुआ था. आउच, फीलिंग ऑफ पेन. ठीक है, एक्सप्रेसिस पेन. श मतलब सजेस्ट बाय सेइंग कि कीप क्वाइट, चुप हो जाओ. वाओ, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, वी यूज वाओ फॉर दैट. चीयर्स, चीयर्स किस लिए होता है, सेलिब्रेशन या टोस्ट के लिए. जब हम पार्टीज में जाते हैं तो हम आपस में जब एंजॉय करते हैं तो कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चीयर्स. हुर्रे, हुर्रे मतलब हम कोई चीज, हम कोई कंपटीशन जीत गए हैं तो हम क्या बोलेंगे, अपनी कि हम अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं तो हुर्रे. हे किस लिए, टू कॉल समवन, टू गेन द अटेंशन ऑफ समवन, किसी की अटेंशन लेने के लिए, किसी को बुलाने के लिए. अगर हमें उसका नाम नहीं पता तो हम उसे कैसे बुलाएंगे, हे. ठीक है, सो दीज आर फ्यू इंटरजेक्शंस व्हिच कैन बी यूज इन डिफरेंट situations. Now this is the exercise for interjections. Fill in the blanks with correct interjections. Remember to put exclamation mark. आपको एक exercise दी है, ठीक है? आपने help box में से correct interjection choose कर ली है और उसके बाद क्या लगाना है? Exclamation mark. You will write the interjection and that should be followed by the sign of एक्सक्लेमेशन. अब हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? आंसर 3 पार्ट 1 डैश वी हैव वन द ट्रॉफी. हम ट्रॉफी जीत गए हैं तो हमारी क्या फीलिंग होगी उसके लिए, हुर्रा, है ना? तो हमारा फर्स्ट में क्या आ जाएगा, हुर्रा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है, सेकेंड डैश व्हाई डोंट यू कम सिट हियर, तुम यहां पर आकर क्यों नहीं बैठते हो, तो कौन होगा, कौन सी इंटरजेक्शन होगी, हे. एंड द सेकेंड विल बी हे, हम किसी को बुला रहे हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अगर आपको दिया गया है रिमेंबर टू पुट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो आपने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करना है. ठीक है, Now students, revise these chapters and prepare for your assessment. Take care of yourself. Thank you.